हाँ जी आप, थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुभाष तुंगर। सुभाष तुंगर, आइए 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 आइए। सुभाष तुंगर 70 साल। किस पार्टी के हो? मैं तो पहले सैनिक ही था, शिवसैनिक का। हाँ। अभी भी शिवसैनिक का हूँ। लेकिन किसके? देखो पहले आदमी महाराष्ट्र में कोई बोलता था मैं शिवसैनिक हूँ तो आदमी समझ जाता था कि ये शिवसैनिक है तो शिवसेना का। अब बोलता है मैं शिवसैनिक हूँ तो उससे पूछना पड़ता किसके? शिंदे साहब का शिवसैनिक हूँ। ये बताओ, बाला साहब ठाकरे की सेना है। लोग बोलते चुराई, लेकिन किसी ने चुराई नहीं। जो सेना है वो शिंदे साहब की रहेगी और बाला साहब ठाकरे की भी रहेगी। दूसरा इसके आगे कोई भी नहीं आ सकता। खाली सरकार आएगा तो धनुष बांधे लेके आएगा, वो खाली शिंदे का ही सरकार आएगा। अभी तो 70 साल गए, 70 साल में किसी को भी बैंक भी मालूम नहीं थी कि ये बैंक में जाने का और क्या करने का। सब खेत कुंपने ने खेत खाया, तो अभी तो कैसा बचेगा? अभी तो मोदी ने एक बताया है कि 1 रुपया भी किसी को खाना नहीं दूंगा और खाएगा भी नहीं। मेरे खाते में 10 साल में 1 रुपया भी आया नहीं, लेकिन मेरे को मालूम पता है कि मैं तो 10 साल में एक्सीडेंट हुआ था। मेरा आधार कार्ड है लिंक नहीं हुआ है तो पैसा आएगा कैसा? लेकिन मेरा जब आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो मेरे को पता है कि मेरा 1 रुपया भी किधर जाएगा नहीं। मैंने तो लोन किया था बैंक का और सब बैंक के ऊपर ही किया था। अभी लोग बोलते हैं 70 साल में क्या शरद को लगता है शिंदे सरकार आएगी? शिंदे सरकार पक्का आएगा। और लोग आप बताओ, आप महिला हो, हम महिलाओं का राय ज्यादा लेते हैं। आप बोलो, हिंदी नहीं बोल पाते? नहीं बोल पाती हूँ। तो बोले वो लड़की बहना योजना का पैसा मिल रहा? नहीं। क्यों? नहीं नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आप मराठी हो कि? हम हिंदी है, हिंदी वाले हैं। मराठी नहीं? नहीं नहीं। ओ, आप यहाँ की नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा क्या? हम नवी मुंबई से आए हैं। तो क्या हो गया, नवी मुंबई भी तो यही है। वासी पनवेल कहाँ से? हम कामोठे में रहते हैं। तो उधर का माहौल क्या लग रहा? नहीं हम कुछ नहीं बता सकते, तो लोकल लोगों को मालूम होगा माहौल ना। लोकल माहौल जो लोकल लोगों को मालूम होगा। हम तो सर्विस क्लास लोग हैं, प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट में, तो हमारे तो आप तो लग रहा है कि क्या लग रहा है, उत्तर भारतीय हैं। हाँ बिल्कुल। कहाँ के? बेसिकली हम बनारस से हैं। 22 साल कर्नाटका में रहे हैं। 87-88 में पहली बार मुंबई में आके पढ़ाई किया था। अभी उसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हूँ 10 साल से। जहाँ पढ़े वहीं पढ़ा रहे? हाँ वही प्रोफेसर हूँ 10 साल से। तो खुशी की बात है। तो हमारे सर्विस क्लास में हम लोगों का जो है वो सब आपको मालूम होगा। सर्विस क्लास वालों को दिमाग में रहता है, सही ढंग से काम करते हैं, ठीक है। और लेकिन सर्विस क्लास किधर है महाराष्ट्र का? सर्विस क्लास डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड होगा। आप बताएंगे कुछ? गोंदिया जिले से आए हम। गोंदिया जिले से आए। गोंदिया? अरे वो तो प्रफुल्ल पटेल का इलाका है। हम प्रफुल्ल पटेल के इलाके का है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल तो इतना 40 साल शरद पवार साहब के साथ रहे, वो तो छोड़ के चले गए। चले गए वो, पता वो गए तो अच्छा किया कि गलत किया? गलत ही किया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उसी में था और प्रगति हुई रही थी। प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया के लिए कुछ किया है? किया है जी, किया है। तो वो आप लोग, वो गोंदिया के लोग आपस में बात करते हैं कि ये साहेब शरद पवार का साथ क्यों छोड़ दिया? ये करते होगे, इतना पता नहीं मेरे को, लेकिन करते तो होगे ना कुछ ना कुछ। क्यों छोड़ दिया, आप क्या सोचती? पता नहीं, वो नहीं बता सकते क्यों छोड़े वो के। अच्छा छोड़ो, लड़की बहना योजना का पैसा आ रहा? हो आ रहा, उधर सबको मिल रहा है। तो जिसको मिल रहा है वो लोग क्या बोल रहे हैं, वोट के लिए? अच्छा बोल रहे हैं ना, वो वोट देंगे। निवडणूक में बोलते हैं कि इसी को देंगे जो पैसा दे रहा है? उसी को देंगे बोल रहे हैं, जिसको भाई माना है तो उसी को तो वोट देंगे। तो ये जो आघाड़ी वाले बोल रहे हैं हम तो 3,000 देंगे, अभी पता नहीं उनको जिसको जिसको मिल रहे वो किसको देना पसंद करते। आप भी कुछ बोलना चाहते? हाँ सर, इस समय आएंगी सरकार तो शिंदे सरकार आएंगी, क्योंकि शिवसेना ये बाला साहब ठाकरे ने चालू की थी और हम भी शिवसेना अध्यक्ष है नासिक के। हम चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के हम भी चेले, ये परंपरा नहीं है कि उनके लड़के को ही शिवसेना अध्यक्ष चुना जाए। हाँ अध्यक्ष रहे तो अच्छी बात है, लेकिन शिवसेना बोले तो शिंदे सरकार है, ये सबको अधिकार है शिवसेना बाला साहब ठाकरे की तरफ से कहने का। हम भी चाहते हैं हम बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व पर ही चलेंगे, ये शिंदे सरकार इस तरफ फिर वापस आनी चाहिए और आएंगे ये भी हम जानते हैं। अब ये देखिए आप, ये राम कुंड, ये सीता कुंड, यहाँ पर शाम को दीप प्रज्वलन का यहाँ पर लोग काम करते हैं। और
यहाँ पर बहुत अच्छी खासी संख्या पे दर्शनार्थी और धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। काला राम मंदिर के बारे में मैंने बताया, 300 साल पुराना मंदिर है और राम का जो रंग है वो काला राम की एक कहानी है। समय कम है, आओ भैया, तुम भी आओ। आओ मोहक भाई, इधर आओ। आओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहक रेलन है। क्या करते हो आप? मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सिविल इंजीनियरिंग। यार, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, यही मराठी हो तो नया और यूथ तो बताएगा ना कि क्या यूथ में माहौल क्या चल रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का हाल अभी तो थोड़ा बहुत अच्छा चल ही रहा है, अब इलेक्शन के बाद पता चलेगा। इलेक्शन में क्या लग रहा है? वो इसको आइडिया होगा, मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं इलेक्शन का। यार, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पढ़े लिखे जो युवा हैं वो इलेक्शन और पॉलिटिक्स में ना इंटरेस्ट लेते ना उनको कुछ मालूम रहता, जबकि देश की 30% आबादी 30 साल 25 साल के नीचे के। और ये सबसे अनफॉर्चुनेट है मेरी समझ से कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स या लीडरशिप या जो देश की भविष्य का फैसला करने वाले लोग हैं उनके लिए वो बहुत नैराश्य की स्थिति में। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आपसे ये बात कह दे रहा हूँ, ये बहुत निराशाजनक स्थिति है जिसमें आप लोग कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं। आजकल के जो पॉलिटिशियंस की छवि है, जो करप्शन बच्चों को दिखाया जा रहा है, वो सबसे गलत एक फिगर दिखाया जा रहा है। उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए ना बच्चों को, मीन्स जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है वो छोड़ के सिर्फ आप यूट्यूब पे भी देख लीजिए, सिर्फ लोगों को करप्शन ही दिखाए जाते हैं, वो गलत छवि दिखाई जा रही है। भाई, जब जानकारी होगी जो आपको गलत लग रहा है, जब आप उसको नहीं चुनेंगे, उसको सजा मिलेगी, तो ही तो नए लोग आएंगे और अच्छे लोग आएंगे। पढ़े लिखों की बात नहीं है ना, जो कम पढ़े लिखे हैं उन पे तो गलत असर ही पड़ेगा ना उस चीज़ का। उन लोगों को नहीं पता है ना कि क्या सही और क्या गलत है। जब तुमको नहीं पता है तो उन लोगों पर तुम क्या, हाँ तुम बताओ भाई, तुमको कुछ पता है? नहीं, नहीं? चलो, तुम भगवान खुदा खैर करे, आज बस इतना ही माहौल क्या है। मैं अगले एपिसोड में देश के कर्णधार इसी तरह जानकारी रखते रहे और देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही लोग मिलते रहे, ना मिले इस कामना के साथ माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नासिक।